सबका साथ सबका विकास, ये केवल एक आदर्श वाक्य नहीं, ये संकल्प और ध्येय है भारत के ओजस्वी जननायक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। गत 8 वर्षों से भारत की समग्र विकास यात्रा में पूर्वोत्तर के राज्य सहयात्री रहे हैं। सर्वस्पर्शी एवं समावेशी विकास कार्यों ने उत्तर पूर्व की जनता का जीवन बेहतर किया है। आधारभूत अवसंरचना के निर्माण, उन्नत स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ यहाँ की समृद्ध संस्कृतियों को लोकप्रिय बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सड़कों से लेकर पुलों के निर्माण तक, हवाई अड्डों के विकास से लेकर नए रेल नेटवर्क तक, क्षेत्र में मल्टी मोडल कनेक्टिविटी को सशक्त करने हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य और सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण अरुणाचल प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प, मार्गदर्शन एवं सतत प्रयासों से उत्तर पूर्व के अन्य राज्यों के साथ सर्वांगीण विकास के पथ पर अग्रसर है। मेरा ये पक्का विश्वास रहा है कि पूर्वी भारत और खासकर पूर्वोत्तर भारत 21वीं सदी में देश के विकास का इंजन बनेगा। उन्नति की इस प्रेरणा गाथा में आज एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है, जब आज अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से 25 किलोमीटर दूर स्थित होलोंगी में 645 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित दोन्ही पोलो हवाई अड्डे को प्रदेश और देश को समर्पित किया जा रहा है। 694 एकड़ भूमि में बने इस हवाई अड्डे का टर्मिनल भवन एक समय में एक साथ 300 यात्रियों को सेवा प्रदान करने की क्षमता रखता है। इस एयरपोर्ट से एयरबस 320 प्रकार के विमानों का परिचालन होगा। हवाई अड्डे पर 4 MI-17 प्रकार के हेलीकॉप्टर की पार्किंग के लिए अलग से एप्रन विकसित किया गया है। इससे हेलीकॉप्टर द्वारा राज्य भर में निर्मित हेलीपैड राजधानी से सीधे हवाई कनेक्टिविटी द्वारा जुड़ सकेंगे। ये सुविधा मेडिकल इमरजेंसीज एवं प्राकृतिक आपदाओं में भी उपयोगी साबित होगी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर को हवाई मार्ग के माध्यम से देश के अन्य प्रमुख शहरों से जोड़ने की प्रतीक्षा लंबे समय से की जा रही थी, जो आज पूरी हो गई है। ये एयरपोर्ट स्थानीय निवासियों के लिए देश के अन्य भागों से निर्बाध आवागमन का माध्यम बनेगा और प्रदेश की राजधानी तक पहुंचना सरल बनाएगा। साथ ही राज्य के व्यापार एवं पर्यटन के विकास के लिए नए अवसर और सुविधा भी प्रदान करेगा। ये हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग कुमे, करादादी, लोअर सुबनसिरी, ईस्ट कामेंग, पके केसांग और कमले और असम के विश्वनाथ और लखीमपुर जैसे आसपास के कई जिलों की 20 लाख से अधिक की जनसंख्या को सेवा प्रदान करेगा। इस एयरपोर्ट के शुरू होने के साथ ही अब न केवल अरुणाचल प्रदेश के अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव करने अधिक पर्यटक यहां सुगमता से आ सकेंगे, साथ ही यहां के विश्व प्रसिद्ध ऑर्किड सहित अन्य स्थानीय उत्पादों को कम समय में देश भर में पहुंचाया जा सकेगा। नए भारत के सपने को साकार करने में पूर्वोत्तर राज्यों का विकास एक महत्वपूर्ण कड़ी है और अब इसमें अरुणाचल प्रदेश का दोन्ही पोलो हवाई अड्डा भी सार्थक भूमिका निभाएगा।